जो जब भी आप कॉलम की लैपिंग करें यहाँ पे तो आपको ये ध्यान देना है। चलिए समझा, तो कॉलम एक कितने कितने लैग वाला कॉलम है। कॉलम में लैग होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी जहाँ पे भी लैप आए आपको इस तरीके से जॉगल मार करके, ये दिख रहा है थोड़ा तिरछा सा है, जॉगल मार करके ही लैपिंग दे। और ये 50D के अनुसार होता है। 50D जो 5 है हमारा, 50 है। यहाँ पे आपको किस तरीके से जॉगल मारना है दिखाता हूँ। ये जो नीचे दिख रहा है इस तरीके से जॉगल मार करके, यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से जॉगल मार करके लैपिंग दे। और ये 50D के अकॉर्डिंग होगा 50, और D माने डायमीटर ऑफ बार। इस तरीके से करें जैसे यहाँ पे दिख पा रहा है। और इसको प्रॉपर बाइंडिंग वायर से बांधना है, और इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें लैप। यहाँ पे कोई इसका लोड है वो सही से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से लैपिंग नहीं देना है। और ये ध्यान में रखें कि ऐसी गलतियाँ ना करें कि जॉगल मारना पड़े आपको कॉलम में। ये कॉलम की स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा ही जॉगल मार करके कॉलम को सीधा किया गया है। अभी आप कॉलम का जो सरिया है मेन बार जो ऊपर तक जा रहा है, तो इस तरीके से काटे हैं कि कुछ लोहा छोटा और कुछ लोहा बड़ा सेम साइज़ के नहीं काटना है। आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है कि जो लैप आ रहा हो वो अलग अलग जगहों में आए, एक जगह में लैप नहीं आना है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं एक लैप यहाँ पे आए, यहाँ से ऊपर तक एक यहाँ पे आए, और कुछ यहाँ पे है और कुछ ऊपर में है। तो लैप एक जगह पे ना हो, एक जगह पे होने से कॉलम